बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए। ये ईश्वर की कुंडली में जो 4-5 दिन आपके जीवन का बाकी है उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। और दोबारा हमको ये तमंचा का धमकी मत दीजिएगा, एक गोली आप चलाएंगे तो 100 गोली आप पर चल जाएगी। अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूँ और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू का हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अमर, माँ का खून चाटने वाली कुत्ते जैसी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता। हमें कहते हैं कि हमें प्यार का फलसफा नहीं मालूम, प्यार छल नहीं, त्याग है, तपस्या है, पूजा है, प्रार्थना है, इबादत है, अरदास है। नदी और झरनों के होने के बावजूद पपीहा पूरा साल प्यासा रहता है, क्योंकि उससे सौती की बूंदों से प्यार होता है। हजारों शाह है इस दुनिया में, मगर चकोर की नजर सिर्फ चांद पे टिकी रहती है, क्योंकि वो चांद से प्यार करता है। प्यार करने वालों को प्यार खुद अपना फलसफा बताता है। हमारी 7वीं फेल पर मत जाइए। हम जिस धरती पर पैदा हुए हैं ना, वहां पर प्यार का संदेशा लाने वाले कौवे की चोट को भी सोने से बढ़वा दिया जाता है। हमें अपने गरीब होने का दुख नहीं था, मगर आप पैसों वालों के बीच आकर हम बहुत शर्मिंदा हुए। हमारा जोड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से भाई, हम जा रहे हैं अपने गांव वापस। अरे आप लोग